हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर एन जी के। आज हम देखने वाले हैं एडक्रिट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 7 पानी के प्रयोग। तो इसमें इसका संपूर्ण हल हम आपको करके दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि, ऑप्शन ए पर राइट लगाइए, पानी गाढ़ा होता है। बी वाले पे, दूसरे वाले पे राइट लगाइए, चाय पत्ती। चाय बनाते समय कौन सी चीज़ पानी में नहीं घुलेगी? चाय पत्ती। और सा वाले पे आप राइट लगाइए, दूसरे वाले पे कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल और प्लास्टिक की गेंद। तैरने वाली चीज़ों के सही समूह पे राइट लगाना था, तो दूसरे वाले पे आप राइट लगाइए। अब दा वाला देखिए, आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी में भरे कांच में गिलास में डाल दें तो कौन क्या होगा? कच्चा अंडा डूब जाएगा, उबला तैरने लगेगा। चार वाले पे राइट लगाइए, ऑप्शन चार पे। एक सुई, अब रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज तैरता है। चौक पाउडर को पानी में निस्पंदन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नींबू नमक मिले पानी में तैरता है। तेल पानी पर अघुलनशील होने के कारण सतह पर तैरता है। शक्कर ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगी। और अपन देखते हैं अधि लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है पानी में नमक डालने पर क्या होगा? पानी में नमक डालने पर इनके घोल का क्वथनांक शुद्ध पानी से अधिक हो जाता है। और तीसरे वाले में संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए, वो है मृत सागर। अब अपन प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल की बूंदें का सोचकर लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी और क्यों। पानी की बूंद सबसे आगे होगी और शक्कर के घोल की बूंद सबसे पीछे होगी। थोड़े मात्रा अशुद्धि हो गई है, बच्चों से लिखवाया था मैंने। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। रमा ने 2 चम्मच को आधे कप पानी में घोल दिया, अब इसे वापस प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आप पानी को उबाल सकते हैं या बाष्पित कर सकते हैं, और ऐसा करने पर नमक ठोस रूप में पीछे रह जाएगा। छठवे वाले पे आप पहले वाले पे राइट लगाइए, तेज धूप में डाला गया रुमाल जल्दी सूखेगा। और क्यों? क्योंकि धूप बहुत जल्दी पानी को माप लेता है। प्रश्न नंबर 7, पानी में घुलने वाली चीज़ों के लिए दिए गए खाली स्थान में लिखिए। शक्कर, चाय पत्ती में शक्कर, कागज और काला नमक में काला नमक, मक्खन और शहद में शहद। प्रश्न नंबर 8, दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बॉल, पेंसिल, प्लास्टिक की बोतल और चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तु के नाम लिखिए। लिख दीजिए आप, पेंसिल बॉल, प्लास्टिक की बॉल, बर्फ, पानी का घना तो इससे ज़्यादा होता है इसलिए ये तैरती हैं, ये हल्की होती हैं। दूसरा है चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तु के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण बताओ। चम्मच, पत्ता, रिंग, कील पानी में से भारी होती है इसलिए वो डूब जाती हैं। अपन देखते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। निम्न पदार्थों को आप पानी में से कैसे अलग करेंगे? पानी में से चौक पाउडर कैसे करेंगे? चौक पाउडर पानी में मिश्रित होता है, निस्पंदन प्रकृति से करेंगे। पानी में से मिट्टी, मिट्टी को अलग निस्पंदन प्रक्रिया से करेंगे। पानी में से तेल, तेल को पानी से अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं। गर्मी का उपयोग पानी में से लकड़ी का बुरादा निस्पंदन प्रक्रिया से अलग करेंगे। और नमक को पानी में घोलने पर पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाओगे क्योंकि नमक रंगीन होता है और पानी में इससे नमक पानी से पूरी तरह घुल जाता है। अब 10वां वाला प्रश्न देखिए, नमक को पानी में घोलने पर पानी में हाँ मौजूद रहता है, आप अपने दोस्त समझाओगे। नमक भी रंगीन होता है, पानी भी, इससे कम
नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है। हम अपने दोस्त को स्वाद चखाकर समझाएंगे, नमक को पानी में डालने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है। प्रोजेक्ट कार्य। आपके रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में घुलने पर घुल जाती हैं, और कौन कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती, उनकी डूबती हैं और कौन सी डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं, प्रयोग करके सूची बनाई। तो मैंने यहाँ चार वस्तुओं की बना दी, आप इसके आगे बना सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।